इसराइल के हमलों से गाजा बुरी तरह तबाह और बर्बाद हो रहा है। इजरायली सेना की भीषण गोलीबारी और बमबारी ने हमास के लड़ाकों की कमर तोड़ दी है। जंग को रोकने के लिए कई देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खा रखी है और इजरायली सेना गाजा में तबाही मचा रही है। इसराइल हमास युद्ध को अब करीब 5 महीने होने को है और जंग उतनी ही भीषण रूप लेते जा रही है। इस बीच इसराइल की ओर से गाजा में एक और हवाई हमले से हाहाकार मच गया है। इजरायली सेना ने गाजा में रफाह क्षेत्र में भीषण हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 44 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस बात को जानकर आप सिहर उठेंगे कि मरने वालों में एक तिहाई संख्या बच्चों की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रफाह क्षेत्र में घरों पर 3 हवाई हमले किए गए थे, जिसमें आम नागरिकों और मासूम बच्चों के मारे जाने की खबर सामने आई। ये हमले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमीनी हमले से पहले दक्षिणी गाजा शहर से हजारों लोगों को निकालने के लिए सेना योजना तैयार करे। वहीं अब इस मामले को लेकर सऊदी अरब ने इजरायल पर निशाना साधा है कि रफा उन हजारों नागरिकों के लिए अंतिम आश्रय है, जिन्हें क्रूर इजरायली आक्रमण ने भागने के लिए मजबूर किया है। इस क्षेत्र में भी अगर इजरायल हमले करते हैं तो फिर इसके खतरनाक परिणाम होंगे। इसराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार कानून का उल्लंघन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इजरायली हमलों को रोकने के लिए तत्काल एक बैठक आयोजित करना चाहिए। वहीं सऊदी अरब के सुर में सुर मिलाते हुए मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी ने भी इसराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रफा पर किसी भी तरह के जमीनी हमले के विनाशकारी परिणाम होंगे। बता दें कि गाजा पर हो रहे लगातार हमलों से वहां के 23 लाख लोगों में से आधे से अधिक रफा की ओर चले गए हैं, लेकिन इसराइल दावा करता है कि मिस्र की सीमा से लगा रफा गाजा में हमास आतंकवादी समूह का आखिरी बचा हुआ गढ़ है। इसके उलट मिस्र आरोप लगाता है कि इसराइल का लक्ष्य फिलिस्तीनियों को उनके इलाके से बाहर निकालना है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इस लड़ाई में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की बलि चढ़ गई है। गाजा में 23 लाख लोगों में 85% से अधिक बेघर हो गए हैं, जबकि तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। गाजा की 1/4 आबादी खाने पीने की गंभीर समस्या से गुजर रही है। इजरायली हमलों में हमास को भी भारी नुकसान हुआ है और उसके लड़ाके मारे भी जा रहे हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए या समझौते तक लाने के लिए कई देश कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री फिलहाल तो जंग को रोकने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं।